बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा सोनीपत पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सांसद अरविंद शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि बयान पर जवाब दिया। गोड संस्था के जमीन के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो अभी तक जमीन संस्थान के नाम पर कर चुके होते। अमृत योजना में 400 करोड़ रुपए के करीब करीब ये केंद्र सरकार से आता है थ्रू हरियाणा सरकार। तो उसमें मैंने बताया कि शहर बिल्कुल उसमें शहर के आसपास जैसे परहावर गांव है, खेड़ी सात गांव है, आपका सुनारिया गांव है, बहुत सारे गांव उसमें आते हैं जो आउटर का इलाका है, और उसमें सरकार इसको गंभीरता से ले और इसमें जाँच करा करके इसमें दूध का दूध पानी का बंटा करो। हम अपना हक मांग रहे हैं और हक किससे मांग रहे हैं? सरकार से। सरकार का मुखिया कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री के रूप में। तो हमारा हक है ये, उसका संस्था का हक है ये, जो 15 एकड़ 3 कनाल जो जमीन है वो सरकार को तुरंत प्रभाव से दे देनी चाहिए। क्यों इसमें देरी लग रही है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा में कहा है कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा अगर सरकार में होते तो उनको पता लगता, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सरकार का हिस्सा नहीं मानते। मुझे सरकार का कोई सांसद भी, जो हमारी सरकार है तो सांसद भी उसका हिस्सा है। और भाई अगर मैं सरकार में होता तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊं।